कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे टीवी के कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। ये तो आप सब लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि ये खबर आज की तरफ फैल चुकी है। और सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही अच्छे इंसान थे कलाकार के साथ साथ। उनका बिग बी 13 मैंने देखा था जिसमें वो विजेता बने थे, विजेता हो चुके थे और खतरों के खिलाड़ी में भी वो दिखे। मैंने उनकी सीरियल बालिका वधु दिल से दिल तक देखा था और उनके बहुत सारे एल्बम भी आ चुके थे। मुझे क्या पता था कि वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, अचानक से उनकी कदम रुक जाएगी, वो सदा के लिए सो जाएंगे, अगली सुबह देख नहीं पाएंगे। उनके सीने में अचानक से दर्द उठा और उन्होंने अपनी माँ को बताया था, उनकी माँ को भी नहीं पता चला। उन्हें लगा कि आम बात है, उन्होंने उन्हें पानी पिलाया और सुला दिया। जब सुबह वो उन्हें जगाने गए तो उनकी आँख नहीं खुली, तब जाके पता चला डॉक्टर साहब, तब पता चला कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर दिल बैठ सा गया। अचानक से खबर मिली तो मैंने मोबाइल पर देखा फेसबुक पर कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनके सीरियल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं देखती थी। बिग बी 13 भी मैंने पूरा देखा था, पूरा एपिसोड जिसमें वो विजेता बने थे, बहुत ही अच्छा लगा था। और बहुत जल्दी वो हम सबसे अलग हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला एक खुश मिजाज इंसान थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। पर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बहुत ही बुरा लगा कि वो हमारे बीच नहीं हैं। जैसे सुशांत सिंह की खबर आई थी मौत की, तो बहुत लगा झटका जैसा, क्योंकि अचानक से किसी की मौत की खबर आती है तो बुरा लगता है। और सुशांत सिंह भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी। MS धोनी मैंने देखा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। उसी तरह से सुशांत सिंह जिस तरह से चले गए, वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला भी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो बहुत बुरा लग रहा है। और क्या मैं कहूँ, बस आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। किसकी मौत हो जाती है कोई नहीं जानता, इसलिए दोस्तों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब किसका ऊपर वाले का बुलावा है, तब हम सब ऊपर वाले के पास चले जाएँ, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप सब हंसते मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, जितने दिन की जिंदगी है हंसी खुशी से रहिए, मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, किसी से कुछ भी गलत व्यवहार ना कीजिए, मिलजुल कर आपस में प्रेम बना के रहिए, ताकि हर कोई मरने के बाद नाम ले कि हाँ वो एक अच्छा इंसान था। जैसे हम सब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सोच रहे हैं, न्यूज़ में तो आज उन्हीं के बारे में दिखला रहा है, जब से खबर आई है बस उन्हीं को दिखलाया जा रहा है, न्यूज़ पे, फेसबुक पे, हर जगह बस वही हैं। और आज उनका अंतिम संस्कार भी होने वाला है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। अचानक से खबर मिला तो लगा जैसे ये क्या हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब पता चला तो बहुत ही बुरा लगा कि वो अभी से दुनिया में नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, मगर हाँ भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आइए आज हम सब मिलकर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बस आज इतना ही, चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कि वो जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।